तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत अहम टॉपिक है, डिल्यूजन। डिल्यूजन बोले तो क्या है कि फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स इमेजिनेशन, इसको हम कह सकते हैं कि फॉल्स बिलीफ, फॉल्स ओपिनियन एंड फॉल्स इम्प्रेशन। एक ऐसी सोच के जो पेशेंट के हिसाब से तो सही होती है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो जो है उसे सही नहीं समझते। लेकिन ये डिल्यूज़न होता क्यों है? क्या होता है कि जब कोई इंसान जब बीमार होता है तो उसकी जो मेंटल फैकल्टीज़ होती है, जो उसकी ब्रेन की जो फैकल्टीज़ होती है सोचने समझने की और इमेज फॉर्म करने की, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि उसकी वजह से जो है उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, जब इंसान जो है वो उसको इंटरप्रेट करता है किसी चीज़ को, है ना, वो जो है वो गलत होना शुरू हो जाता है। और ये जो फॉल्स इंटरप्रिटेशन है उसे हम कहते हैं डिल्यूज़न। सपोज़ कोई इंसान है जिसने ये यानी सोच लिया कि मुझे फला फला शख्स जो है वो मेरा दुश्मन है ना, या फिर वो ये सोचता है कि पर्टिकुलर कोई दवा है, अगर मैं वो खाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, वो मेरे लिए जहर की मानी है। तो अब वो क्या हो गया कि डिल्यूज़न पॉइजन, डिल्यूज़न मेडिसिन इज़ पॉइजन, हम उसको लेंगे कि उसके जहन में क्या आ गया है कि वो जो मेडिसिन है वो मेरे लिए पॉइजन है। अब आप उसको कितना भी समझाओ कि नहीं भाई ये जो दवा है ये सब दूसरे लोग खा रहे हैं, किसको ने कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब मैं वो अगर दवा खाता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो वो उसके लिए तो वो सही बात है ना, वो जो सोच रहा है उसके लिए वो सही बात है, लेकिन अपने तमाम जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ है डिल्यूज़न कि पेशेंट के लिए वो चीज़ सही होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अतराफ़ के जितने लोग हैं उनके लिए वो चीज़ सही हो, उनके लिए वो गलत भी हो सकता है ना। अब वो उसको समझाते हैं लेकिन उसके जहन में नहीं आता, तो ये होता है डिल्यूज़न। अब एक जो जनरल टर्म है डिल्यूज़न, इसे ने हम लोग ने क्या करते हैं कि ऐसी के ऐसी हर जो रूब्रिक है हमारा हम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, माइंड के जितने भी रूब्रिक्स हैं ना उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को हम समझते हैं कि ये डिल्यूज़न है, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो डिल्यूज़न है इसकी भी कैटेगरीज है। अगर कभी हम जो है वो केंट रिपर्टरी देखें तो इसके अंदर क्या कहा गया है, इसमें देखिए डिल्यूज़न जो है उसकी तीन कैटेगरी जो है वो बताई गई है। सबसे पहले है इमेजिनेशन, सेकंड है हेलुसिनेशन एंड थर्ड है इल्यूज़न। जो डिल्यूज़न का जो चैप्टर है माइंड के अंदर उसमें जो है ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। कुछ जो उसके रूब्रिक्स है वो इल्यूज़न के हैं, कुछ जो है वो हेलुसिनेशन के हैं और कुछ जो है वो इमेजिनेशन के हैं। ये अलग अलग जो है वो रूब्रिक्स है और उसके हिसाब से हमें जो है वो देखना होता है। ओके, इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन जो है वो एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसने दिमाग में एक इमेज बना ली है। इसमें पेशेंट क्या इन्हें करता है कि उसकी एक थॉट इन्हें किसी की भी ताल्लुक से उसकी एक थॉट जो है वो बन जाती है, एक इमेज जो है वो बन जाती है कि मेरे साथ जो है वो ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा किया है और ऐसा हो रहा है, जो भी ये चीज़ें वो सब के सब जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसमें क्या होता है कि सपोज़ कोई पेशेंट है वो कहता है कि मुझे जो है वो फला फला शख्स बहुत तकलीफ़ दे रहा है ना, तो डिल्यूज़न परसिक्यूशन रूब्रिक है वो है डिल्यूज़न परसिक्यूटेड ही इज़, यानी मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। अब आप उसको लाख समझाओ कि भाई ऐसा नहीं है, वो इंसान अच्छा है, वो कहेंगे नहीं। कुछ कुछ पेशेंट रहते हैं मुझे जो है मेरा भाई है उसको हमेशा मेरे को जो है तकलीफ़ देता है, यानी भाई को ही जो है वो इन्हें कहता है कि वो मुझे तकलीफ़ देता है और वो मेरा दुश्मन है, यहाँ तक कि जो है वो उसे दुश्मन मान लेता है। तो क्या है कि उसने एक इमेज जो है वो क्रिएट कर लिया उसके ताल्लुक़ से। कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि फला फला शख्स जो है वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, मेरे को वो इन्हें कोई भी काम करने नहीं देता, कोई भी काम करने जाऊँ वो जो है वो आ जाता है और मेरे को तकलीफ़ देता है ना। तो वो है डिल्यूज़न परसीव्ड,
वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। अब आप जो है उसको कितने भी समझाओ कि भाई ऐसा नहीं है, वो शख्स अच्छा है, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया कि उसने एक इमेज जो है वो क्रिएट कर लिया उसके ताल्लुक से। ठीक है, तो ये है डिल्यूज़न के अंदर जो जो फर्स्ट जो कैटेगरी है इमेजिनेशन। देन सेकंड क्या है, हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान जो है उसके जो एहसासात है, उसकी जो सोच है, उसके जो एहसासात है, उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आ जाता है। एहसासात बोले तो हम लोग जो है वो पांच तरीके से किसी भी चीज़ का एहसास कर सकते हैं, हमारे जो सेंसेस हैं उनके थ्रू, हमारे जो फाइव सेंसेस हैं। पहला है विजुअल, आई, ठीक है ना, देन ऑडिटरी, ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो स्मेल है, फिर टेस्ट है और टच है। अगर पेशेंट जो है वो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ी करे, कोई चीज़ नहीं भी है और पेशेंट जो है उसको एहसास करे कि वो चीज़ है, यानी उसे लगे कि बाजू में कोई जो है वो उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है, पेशेंट को लगता है इसमें कि कोई उसके ख़िलाफ़ जो है वो चार लोग जो है वो बाजू में बात कर रहे हैं जबकि वहाँ कोई नहीं होता, उसे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो सामने खड़ी है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, उसे लगता है कि मुझे अजीब अजीब सी स्मेल आ रही है ना, लेकिन वो स्मेल नहीं आई, वहाँ पर कुछ भी नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें जो है जो सेंसेस से कनेक्टेड जितनी चीज़ें हैं वो सब के सब जो है वो हेलुसिनेशन के अंदर आती है। हमारे पास जो उसके लिए रूब्रिक्स है बहुत सारे हैं, इसमें से चंद एक ये कि डिल्यूज़न हियरिंग सॉन्ग्स, कि उसे जो है वो गानों की आवाज़ें आती है, ये रूब्रिक है हमारे पास में। फिर ये है कि डिल्यूज़न टचिंग एनीथिंग शी कुड नॉट टच, वो उसे लगता है कि वो किसी चीज़ को टच ही नहीं जो है वो कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, यानी कि ये है कि उसका जो टच का जो जो सेंस है वही जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मसला आ गया उसको। तो ये जो चीज़ें हैं ये आती है हेलुसिनेशन के अंदर, जहाँ पर हमारे सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें कुछ नहीं होगा फिर भी उसे महसूस होगा कि चीज़ें है। जो थर्ड चीज़ है वो है इल्यूज़न। इसमें और हेलुसिनेशन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो चीज़ होती है कि दिस सेंसेशन परसीव्ड थ्रू आईज, इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ है जो आपको कुछ और दिखाई देती है, कुछ और महसूस होती है, यानी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है, यानी कुछ चीज़ तो है लेकिन आपको जो है वो कुछ और जो है वो दिखाई देती है। हेलुसिनेशन के अंदर कोई चीज़ नहीं है फिर भी आपको दिखाई देती है, और इल्यूज़न के अंदर जो है वो कोई चीज़ है लेकिन वो आपको गलत दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे पेशेंट अगर सामने बैठा है जिसे हेलुसिनेशन है तो वो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपके गले में सांप है, जबकि मेरे गले में जो है कुछ भी नहीं है ना, वो कहेगा कि आपके गले में सांप है। लेकिन इल्यूज़न वाला ने क्या कहेगा कि ये जो माइक जो है जो मेरे गले में है माइक, उसे कहेगा कि डॉक्टर साहब ये आपके गले में सांप है। कोई चीज़ तो है लेकिन वो उसे गलत अंदाज में जो है वो देख रहा है इल्यूज़न के अंदर, और हेलुसिनेशन के अंदर कि कुछ नहीं है फिर भी वो जो है उसे समझता है कि जो है वो कोई तो भी चीज़ है। तो ये जो है ये दोनों के अंदर फ़र्क होता है। अब ये तीनों चीज़ें शामिल हो जाती है डिल्यूज़न के अंदर, और जो पूरा डिल्यूज़न जो चैप्टर है उसमें ये तीनों चीज़ें जो है वो हमें दिखाई देती है। ये मिक्स है, ये हमें समझना पड़ता है कि इसमें से कौन सा रूब्रिक जो है वो हमें चूज़ करना है। जो तीन कैटेगरी हम लोगों ने किए हैं, इमेजिनेशन, इल्यूज़न और हेलुसिनेशन। अब सबसे जो पहली जो कैटेगरी है इसमें क्या होता है कि इंसान जो है जो जो पेशेंट है वो उसके जहन में कोई इमेज बना लेता है, कोई थॉट प्रोसेस उसके उसके जहन में चलता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ताल्लुक से, नंबर एक। और हेलुसिनेशन में क्या होता है कि चीज़ें नहीं होती वो उसका एहसास करता है, और इल्यूज़न में क्या होता है कि चीज़ें होती है वो उसका गलत एहसास करता है।